हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंद्राक्षिता व्लॉग्स। आज हम आपको ये गुजराती डिश ढोकला बनाना सिखाएंगे, जिसे आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी रेसिपी इस प्रकार है। हमारे ढोकले की सामग्री है कि एक बोल बेसन, आधा बोल दही, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, ये हमने ऑयल लिया हुआ है, ये हल्दी पाउडर है दो से तीन चुटकी, ये नमक है आधा चम्मच, ये एक साशे इनू ग्राइंडेड शुगर जो हमने उसे इस फॉर्म में ग्राइंड कर। आगे की प्रोसेस के लिए हम एक बड़े बोल में बेसन को डाल लेंगे। उसमें दही ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छे से मिलाएंगे। इसे इस प्रकार मिलाएं कि ये इस कंसिस्टेंसी का हो जाए। अगर आपको दही ज्यादा या कम मात्रा में डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए जैसा आपको दिख रहा है। और इसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स करें। और अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर जो हमने कुछ चुटकियों में ही लिए हैं, यानी तीन से चार चुटकियां, नमक, और अब फिर से इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम एक चम्मच चीनी डालेंगे और इसे मिलाएंगे, और एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारे ब्लेंड हो चुका है जो हमारा मिक्सचर है, उसमें हम इनो का एक साशे डालेंगे। ये हम इस एंड में डालते हैं साशे और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं ये कैसे फूल रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं छोटे छोटे, ये सब इनो की वजह से। एक आप ये बोरोसिल का हमने ग्लास पैन लिया है, आप कोई भी अपना कंटेनर ले सकते हैं। उसे अच्छे से ग्रीस करिए, देख रहे हैं आप हमने इसे ग्रीस करा हुआ है, और इसमें इसे कन्वर्ट कर दीजिए। अब हम इसे ओवन में रखेंगे 5 मिनट के लिए। रुक रुक, 900 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। फ्राई पैन में हम अपना तड़का तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने एक चम्मच तेल डाला है, अब हम इसमें गरम तेल में राई डालेंगे। और अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, 2 टेबलस्पून धनिया डालेंगे, हरी मिर्च कटी हुई, एक चम्मच चीनी,
हमारा तड़का तैयार हो गया है, हम इसे बंद कर देंगे और देख रहे हैं आप उबाल आ गया है, इसे आप बंद कर दीजिए। इसे बाहर निकाल लेंगे। हमारा बैटर अगर पूरी तरह पका है तो इसे हम एक बार चेक करेंगे, नाइफ डालेंगे और आप देख सकते हैं एकदम क्लियर नाइफ आया बाहर। अब हम इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे या जो भी आपको शेप चाहिए, रेक्टेंगल स्क्वायर, आप उस डिजायर्ड शेप में इसे कट कर लें। हमने इसे अच्छे से स्क्वायर में कट कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने तड़का प्रिपेयर किया था अपने पैन में से इसमें कन्वर्ट करेंगे। और अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने ढोकला सर्व करा है। इसे आप इमली की चटनी से खा सकते हैं और आप देख रहे हैं इसे हमने कोकोनट के पाउडर से गार्निश किया है।